ये आल्सो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अलायंस के, और हमारे उसके बाद मुराद भाई हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन कराने का मकसद है, और वो मकसद ये है कि ये लोग, हम लोगों ने इनसे कुछ सपोर्ट चाहा था, वो सपोर्ट इन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया है, और जहाँ कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ी है तो इन लोगों ने हमारा साथ दिया है, और आइंदा भी जब इन लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। कहीं कोई तकलीफ बेकरी वाले को होगी तो ट्रेडर्स उनके साथ होंगे, और अगर ट्रेडर्स को कोई तकलीफ होगी तो और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो बेकरी वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक मोहब्बत और प्यार दिखाने की वजह से इकट्ठा हुए हैं, और एकता को दिखाने की वजह से इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि बम्बई वालों को ये मालूम हो जावे कि बेकरी वालों की ताकत क्या है और हमको किस तरह से बेकरी के काम को चलाना है। इसी एजेंडे को लेकर के यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई है, हमको पूरा पूरा उसका साथ देना है और उसी पर अमल करना है। जो हमारे बड़े हमको हुक्म करेंगे हम उसकी पूरी पूरी तामील करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी यही दुआ है कि सारे बेकरी वाले इस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायद कोई है जो नहीं आया हो, नहीं आने का मकसद ये है कि उसको इंटरेस्ट नहीं था भाव बनने में, पर ऐसा देख के लग लेना किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अपनी नज़र घुमाएं तो पता चल जाएगा कि बेकरी वालों को बहुत ज़रूरत थी भाव बढ़ाने की, उसी वजह से आज सब जमा हुए और माशाल्लाह पूरी पूरी ताकत से पूरी हिम्मत के साथ पूरे दिल के साथ सबने हमारा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यही मकसद है इस मीटिंग का। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो 27 जून को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके मुकाबले में आज की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इससे ये साबित होता है कि उस दिन की मीटिंग थी वो सफल हुई थी, और आज के टाइम पे जो हमारी मीटिंग हो रही है, आज हमारे साथ बेकरी वालों के साथ ट्रेडर्स भी जुड़ चुके हैं, ये हमारे बेकरी वालों के लिए और खुशी की बात है। और एसोसिएशन ने जो आपसे पिछले मीटिंग में वादा किया था वो वादे पे वो पूरी खरी उतरी है, और इंशाल्लाह आज आप सब बेकरी वाले अगर इसी तरीके से एसोसिएशन का साथ देते रहेंगे तो आगे भी हमारी ही जीत होगी। बस यही छोटी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बॉम्बे एसोसिएशन का, जो उनके साथी हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे को लगता पहली बार इतने बेकरी वाले एक साथ इकट्ठा हुए होंगे, इससे पहले कितनी भी मीटिंग हुई हों तो इतने बेकरी वाले कभी इकट्ठा नहीं हुए होंगे। साथ में ट्रेडर लोग भी हमारे साथ में इकट्ठा हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। हमें एक दूसरे का साथ इसी तरीके से देना है, तो हमें अपनी ताकत का लोहा मनवाना है, हमें नासिर भाई का साथ देना है, हम लोग इकट्ठा होकर के नासिर भाई को मजबूत बनाना है, और हिंदुस्तान के मारूफ नाजिम हमारे नजर भाई इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहा है, हम लोगों को आपको भी उनके आसार सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारी बहुत ही खुशी की बात है। एक बार नजर भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, फिर ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। इसी के साथ मैं बात करूंगा। आप में से कितने लोग जानते हैं आज के माहौल में, आज के आपके रॉ मटेरियल के भाव को देखते हुए, आपके पाव के भाव को देखते हुए, आप चाहोगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके पोते इसी लाइन में हैं? बस वही बात है जो आपके वालिद साहब, आपके दादा जान ने इस लाइन में बनाया है, आज के दौर में आपको लगता है आप उसी गति से इस लाइन में आगे बढ़ सकते हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे वालिद साहब, हमारे दादा जान ने बनाया कि हम उसी लाइन से उसी गति से आगे आज इस लाइन में बढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी आपकी ये पूरी कौम, ये पूरी कम्युनिटी, बेकर्स, ट्रेडर्स सबकी लागत दुगनी हो गई है।
पिछले दो बरस के अंदर भाव 75 से 80% बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई शंका कोई कसर हमारे मन में रह जाती है, कोई डर हमारे मन में रह जाता है भाव बढ़ाने के लिए। एसोसिएशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, नासिर भाई, तारिक भाई, जाहिर भाई सबका, कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये मुहिम उठाई है। और मेरी ये गारंटी है कि हमारा ट्रेडर्स अलायंस शत प्रतिशत उनके साथ है, हर कदम पे उनके साथ रहेगा आगे भी। ये सभी व्यापारियों की तरफ से मेरा आप सभी को वादा है। बस यही बात बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। खाने के तो कहाँ से टाइल्स लगाएंगे, अब कमाएंगे तब सब सफाई भी करेंगे।
बहुत सी कमियां हैं जो दूर करेंगे। अपने बच्चों को सही पढ़ा नहीं पाते हैं, अपने बच्चों को सही स्कूल में एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। पैसा होता तो सब कुछ सही होता, पैसा नहीं होता सब सब बेकार हो जाता है। नहीं नहीं उनको लग गया कि आज इतनी ज़बरदस्त मीटिंग है, इतनी पब्लिक आई है, और नासिर भाई जो है दिन रात मेहनत करते हैं, जहाँ बुलाओ थाना बुलाओ, मोमरा बुलाओ, कल्याण बुलाओ, तो ऐसी जगह गए जब गिरा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ गए, जो कभी हम लोग ने देखा भी नहीं आज तक, न जाना ही चाहते हैं यहाँ गए। हम लोग तो रिटायर हो गए, हम लोग की बस की बात नहीं, लेकिन हमारी दुआएं इनके साथ रहती हैं हमेशा, हाल चाल लेते भी रहते भाई कौन से एरिया कवर किए कहाँ पहुँचे, तो हाल चाल हमेशा लेते रहते हैं। हम लोग खाली दुआ दे सकते हैं, मेहनत करने का टाइम तो हम लोग करा नहीं, हम लोग 70 साल से ऊपर हो गए हैं, ज़बरदस्ती हम उसमें नाम लिखा करके शहीदों में नाम लिखा के गोली कटा के शहीदों में नाम लिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन ये कि फोन करके हाल चाल लेते रहते घर बैठे। और सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमको नासिर भाई जैसा प्रेसिडेंट अदा किया, जिनकी मेहनत और मशक्कत से सारे देखी वाले मुंबई से लेके थाना और जितना भी आस पड़ोस का एरिया है सब लोग यूनिटी के साथ में उनसे जुड़े हुए हैं, और उनकी मेहनत रंग ला रही है इतनी कि आज ये हुकूम आप शक्ल में देख रहे हैं। तो हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, नासिर भाई का और उनकी सारी टीम का, जिसकी बदौलत सारे देखने वालों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत खुशी है, खुशी अब हम जाहिर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत खुशी, बहुत खुशी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है कि जिस तरीके से ईद त्यौहार के मौके पर हमारा सारा परिवार एक होता है, आज सारा बेकरी एसोसिएशन और बेकरी एसोसिएशन के सारे टीम और मेंबर सब एक है, और ये सब एक हुए नासिर अंसारी की वजह से, तारिक भाई, जाहिद भाई, हमारी टीम जितनी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी है कि इन्होंने हमें पहले एक किया और हमें अपना भाव दिया और रेट दिया, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को भी सही दिशा में ले जा सके, सही तालीम दे सके, अपनी ज़रूरत को पूरी कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईद जैसी हमें खुशी का माहौल नज़र आया कि आज बेकरी वाले सब हम अपने एक साथ हैं, और हम लोग सब उनकी बदौलत रूल और रेगुलेशन भी फॉलो करें, जो तारिक भाई ने हमारी बात किया कि हर बेकरी वाला अपना लाइसेंस बनाए, हर चीज़ जो भी अपनी कानूनी तरीके से वो सही तरीके से रखे, और साफ सफाई जो भी जो उन्होंने कहा, तो हर एक बेकरी वाले इसमें पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको पहले समझ में आए, लेकिन आज जब तारिक भाई और नासिर भाई ने बीड़ा उठाया है और उनको समझा रहे हैं, तो माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी बेकरी में साफ सफाई और हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं और उनकी बातों पर अमल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग की ये जो मीटिंग है वो ऐसे ही चलते रहे, और नासिर भाई का और उनकी टीम का सब लोग ऐसे ही पुरजोश तरीके से साथ देते रहे, यही हम लोग की दुआ है। मीटिंग बहुत ही शानदार रही, मीटिंग का जो मकसद है वो 100% सक्सेस रहेगा, सभी का बहुत ही सकारात्मक एक एटीट्यूड था, सभी समझे भाव बढ़ना चाहिए, व्यापारियों का पैसा टाइम से चुकाना चाहिए, एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सकारात्मक माहौल में पूरी मीटिंग को अंजाम दिया गया है, हम सभी व्यापारी से बहुत ही खुश हैं। रेट को लेकर आप क्या राय है? रेट को लेकर आप क्या राय है? आज तो भाव बढ़ा है तो किस तरीके आपको क्या हम लोग बड़ा
पढ़ने का, वो बहुत अच्छा और सक्सेसफुल गया। उसमें सारे बेकरी वाले खुश हैं, सारे ट्रेडर्स खुश हैं। जब चार पैसा वो कमाएंगे तभी ट्रेडर्स को पैसा देंगे, उनके परिवार खुश रहेंगे। अभी तो लॉस में धंधा कर रहे थे, महीने का भी रेट बढ़ गया, तेल का भी रेट बढ़ गया, तो नुकसान में जा रहे थे, इसलिए ट्रेडर्स का भी पैसा रोक रहे थे। अभी ये भाव बढ़ने से सारे लोग खुश हो जाएंगे और अच्छे से बिजनेस उनका चलेगा।